और जिम में है यू गाइस, नॉट डन विथ वर्किंग आउट, बट शॉवर लेने से एटलीस्ट 25 मिनट्स पहले आई नीड टू ऑयल माय हेयर। सो हाय गाइस, वर्कआउट सकआउट सब हो गया, नहा धो लिया, अभी आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टुकू एंड दाल उमाल रही है, और हमारा तो ब्रेकफास्ट मतलब लंच दूसरा रहता है बिकॉज माँ लोग सादा खा लिया अभी। तो मैं आटा गूंद लूँगी बिकॉज आई मेक लच्छा पराठा एंड ये भी टुकू खाऊँगी एंड मनीष का दाल है। तो या अभी मैं बना रही हूँ चिवड़ा ब्रेकफास्ट के लिए, मनीष के लिए ऑलरेडी मैंने पॉरिज बना दिया है। कोई डेट्स नहीं आ रहा है ना गाइज, डेट्स ही नहीं है हमारे पास, ख़त्म हो गया, तो इसीलिए मैं अभी पॉरिज नहीं खा रही हूँ। अभी मैं दूसरा दूसरा चीज़ खा रही हूँ, कभी मूढ़ी कभी चिवड़ा, बिकॉज I need to have dates in my porridge when I'm because chini nahi dalti hu na, so isliye dates very important. And chura guys, it was so good yesterday also I made it, so isliye aaj bana rahi hu, thoda zyada bana rahi hu so that kal bhi kha pao ya maybe lunch time maybe. Aaj pyaaz nahi dala, main jaldi jaldi mein bhul gayi, maine pyaaz ka thoda thoda rehta hai na, wo bhi bahut acha dikhta hai, matlab rehta bhi hai khane ko bhi. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. If you guys are watching me for the very first time, मैं जा रही हूँ थोड़ा मिल्क लाने, and today I randomly thought that I'm going to film a day in my life. It's been quite some time I have not filmed anything, so I thought why not today? And this is making quite a lot of noise. Yeah, it's a quite sunny day. I did work out in the morning, feeling pretty nice, and let's see दिन भर क्या होता है. काम तो बहुत होगा गाइस, बिकॉज चार पांच दिनों से कोई स्टाफ नहीं आ रहा हम लोग का, तो कल तो होटल में भी लोग थे, तो वी हैव टू क्लीन ऑल ऑफ दैट। मी बनीदी माँ मनीष वी ऑल आर वर्किंग, एक तो कोई दुकान में भी रहेगा, मे बी मनीष और बनीदी विल बी इन द शॉप, वी विल क्लीन, माँ इज ऊपर कुकिंग, लेट्स सी हाउ डे इज गोज एंड एनीवेज आई विल सी यू गाइस लेटर। मैं पहुंच गई, जैकेट लगा के बैठे हुए, मफलर वगैरह लगा के, यहाँ गर्मी से मैं मफलर। माय गॉड, दिस लुक एट द फिश, मुझे भी फिश चाहिए, मुझे फिश है बहुत प्यारे गाइस, बहुत वो जैसा लगता है, पीसफुल लगता है, नो व्हाई टू सी देम मूव हियर देयर। गाइस चिकन भी लाना है, पर क्या हुआ कि 10-15 मिनट लगेगा, तो फिर दूध ले जाऊँगी, फिर मम्मी के यहाँ चले जाऊंगी। हेलो, मम्मी के यहाँ आई हूँ। नीने क्या बना रही है, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। ओह चिकन, कॉफी बन रहा है, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, क्या डाल लो वहाँ नीने। गाइस कल हमने मूवी देखा था एक कार्तिक आर्यन का, पता नहीं क्या नाम भूल गई, 12:30 में सोई थी ना, मेरा मन था कि पिंपल आ गया, तो आई हैव रियलाइज कि मेरे लिए खाने से भी ज़्यादा स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ आई स्लीप लेटर देन 10:30-11 तो थोड़ा पिंपल आना स्टार्ट हो जाता है, दिस फॉर श्योर। गाइस वो वाला टॉय है ना, वो मेरा फेवरेट है, स्माइल से भी ज़्यादा जब वो सैड होता है ना, मुझे बहुत पसंद रहता है। आई एम हियर, और मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे स्किप भी खरीदना है, पहले रोप मतलब वो कर रही थी, स्किपिंग कर रही थी, तो थोड़ा ज़्यादा वो प्रेशर पड़ के ना वहाँ पर कट हो गया, फिर मैंने उसको मैनेज करके स्किप कर रही थी, फिर कट हो गया बिकॉज ज़्यादा स्किपिंग कर रही हूँ ना, तो स्किपिंग मतलब स्किप भी खरीदते हैं आज, तो अमेजोन से मंगाना पड़ेगा। मम्मी ने कपड़ा सुखाने रहे, ओ माय गॉड, किसका बिल ली मम्मी, हाँ किसको बिल लो मम्मी, बिल ले रहे हो गाइज। मम्मी ने मूला सुखाया हुआ है, देखिए कि मूली का अचार बनाने के लिए। हाय, मैं जा रही हूँ गाइज, आई थिंक चिकन हो गया होगा, आई थिंक सो, मुझे चिकन पिकल बनाना है ना, चिकन जैसे तो ऑलरेडी था, पर मुझे जो चाहिए चिकन ब्रेस्ट वो काट रहे थे, गाइज नॉर्मली हमारे घर में बहुत जन देखने को मिलेंगे, ऐसे तो फैमिली 3 जन का, पर रेंट में बहुत है ना हमारा। दूध को उमाला जाए,
चिकन। मैं आज भी भूल गई कि उन लोग को बोलना था कि स्किन निकाल दीजिए बोल के, आई फॉरगॉट। दूध ना मिल जाए। गाइस चिकन इज बॉइलिंग, मैं अब जा रही हूँ नीचे, जा रही हूँ नीचे because mine boiled it already नीचे। They're cleaning. Now let me also help them. यार दूध भी मिल गया नाइसली। 5-7 मिनट में आऊँगी अब चिकन देखने। हाय गाइस मैं छत में हूँ, वहाँ यहाँ से अच्छा व्यू है। मनीष पानी ऑन करने गया है तो मैं देख रही पानी आया कि नहीं आ रहा है। आई वॉज मेकिंग लच्छा पराठा फर्स्ट बिकॉज इट टेक सम टाइम, पहले वो रोटेट करो फिर 10 मिनट के रखो फिर बनाओ ना, तो अभी बना रही हूँ। मनीष आई थिंक 15-20 मिनट्स में आ जाएगा। उससे पहले मैं शेड कर रही थी चिकन बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक चिकन पिकल टुडे। रिजास्ते में बनाया था, ख़त्म होने वाला है ना। वी आर ईटिंग रेगुलरली स्पेशली मनीष, तो वो बना रही थी, माँ शेड कर दे रही है, मैं भी कर रही थी, पर अभी आई नीड टू मेक लच्छा पराठा। एंड धूप भी आ रहा है, इतना अच्छा है, मैं ऑलरेडी टैन हूँ, मैं और टैन हो जाऊँगी। वाह ट्रैकिंग की वजह से इतना टैन हो गई हूँ, लग नहीं रहा कि इतना टैन हुई हूँ, पर ना गाइस बहुत हो गई हूँ। फाउंडेशन तो मान लीजिए सारा, मतलब जो भी फाउंडेशन मेरा, के ब्यूटी, मेबलिन, मैक, मामाअर्थ, सब मेरा ग्रे पड़ रहा है यार। कोई भी फाउंडेशन है, अगर मैं मिक्स मैच भी कर रही हूँ ना, शेड वो जो ओरिजिनल शेड है ना वो आ नहीं रहा। हाँ मनीष का कॉल आया था, अभी बोल रहा है कि पानी आया कि नहीं आया, आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। एंड आई थिंक मेरा आवाज़ नहीं आया होगा इससे पहले वीडियो में, बिकॉज हवा बहुत ज़ोर से चल रहा था। हमारा घर वहाँ पर, और एकदम से लुक एट द व्यू, सो प्रीटी, वेदर इज सो लवली, पर मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकूँगी, टैन हो जाऊँगी। आने लगा पानी। गाइस वी आर सो लकी, यू नो मिरिक में देखे भी पानी का एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं है, वरना बाप रे मिरिक में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। कोई कोई तो कैरी करते हैं, जिसका गाड़ी है वो तो गाड़ी से ले आते हैं, और जिसके पास पैसा है वो तो म्यूनसिपैलिटी से खरीद लेते हैं, या तो कहीं कहीं से मतलब ना एक घंटे का इतना पैसा 700-1000 ऐसे करके खरीद लेते हैं। मैं शेड कर दे रही हूँ वहाँ पर चुकी, मैं रोटी या गूंदा हुआ था मैंने रोटी, अब इसको इतना इतना करना है। आई रियली लव दिस पराठा। मनीष चार खाता है, तीन। गाइस ऐसा कर लिया, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लगाना है, और आपको क्या करना है ऐसे बेलना है गोल 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 गोल, रोटी बनाना है, रोटी बनाओ रोटी बनाओ। गाइस अब ये गोल हो गया, तो मैं क्या करूँगी, कटोरे में ऑयल लूँगी। गाइस चुटकू सा में मैंने तेल ले लिया, स्पैचुला, और आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, स्पैचुला ही होगा, थोड़ा सा तेल मैं ऊपर ऐसे लगाऊंगी, इसे ऑयल लगाना है गाइस, पतला सा लेयर करना है गाइस। वो चैनल खोलना पड़ेगा मुझे शायद, अब मुंहपंग तो मैं करती हूँ, कैसे खाना बनाना है वो भी सिखाऊंगी। और ऊपर से आपको ऐसे क्या बोलते हैं इसको, आटा, जो भी आटा हो, चक्की वक्की, मेरा तो चक्की है नहीं, सूजी है गाइस। अब इसको क्या करना है गाइस, ऐसे रहना है, फोल्ड करना है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए लाइटली, फिर इसको रोटेट करना है, मुंह को अच्छे से सील कर दीजिए, फिर इसको ऐसे हो जाता है। 10 मिनट के लिए रख लीजिए कटोरे में, मैं तो कपड़ा भी ऊपर से लगाती हूँ, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद हम फिर बेल के इसको बनाएंगे घी में, शुद्ध घी में, प्योर घी।
गाइस अभी 4-5 हो गया, तो मैं अभी इसको क्या करूँगी, जो बनाया है लाइट हाथों से बेलूँगी, ऐसे लाइटली थोड़ा मोटा मोटा ही रखूँगी। पैन यहाँ पर है, थोड़ा सा घी इसको ऊपर डालूँगी और जब ये पकता रहेगा ऊपर से थोड़ा सा ही थोड़ा और ऊपर भी इसे लगाऊंगी। ज़्यादा घी भी नहीं गाइस, इसे तो ज़्यादा भी ले सकते हो, पर मुझे ज़्यादा घी ना ही पसंद है। देखिए गाइस पक रहा है, बस साइड साइड में कभी पकता नहीं है, तो इसे प्रेस करते रहना। गाइस आवर फूड इज रेडी, लच्छा पराठा, लुक एट इट, सो नाइस टेस्टी एंड सो सॉफ्ट। और यहाँ पर दाल, यहाँ पर मेरा है ये मनीष वो डाल रहा है चिकन पिकल एंड करेला। गाइस इज नॉट व्हाट वी हैव एवरी डे, बट पास्ट 3 to 4 डेज वी हैविंग लच्छा पराठा एंड दाल, पर आज मेरा ये फेवरेट भी है। गाइस डैड ने मूढ़ी और चूड़ा ला दिया। ये मूढ़ी ना चंपासरी में मिलता है, बहुत अच्छा रहता है, और मेरा हाथ ऐसा भी, मैं गार्लिक पील कर रही थी। मेकिंग चिकन पिकल के लिए गार्लिक फ्राई हो रहा है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गार्लिक बिकॉज आई लव गार्लिक। चिकन सूख रहा है, सूख ही गया, इतना काला क्यों दिख रहा है भाई। एंड देखिए गाइस माँ का फूल, ये धनिया नहीं ये पार्सली है, या क्या बोलते, पार्सली है ये, धनिया है, मैंने पूछा था पार्सली है ये। और देखिए माँ का फूल, यहाँ तो कम है, उस साइड बहुत ज़्यादा है। ठीक है अभी ये सब या ब्लूमिंग, ये कलर भी अच्छा है येलो। ठीक है माँ का प्लांट, और ये डल्ले गाइस, बेंजो डुलडुल इज हियर, सॉरी ब्राउनी एंड डुलडुल। एंड माँ का फूल देखिए इस तरफ तो और भी ज़्यादा है, घंटी फूल, माँ को फूल से बहुत प्यार है, फूल और बच्चों से। देखिए ये बहुत अच्छा है, दिस इज़ वेरी नाइस सॉफ्ट डार्क कलर में भी अच्छा है, ये भी देखिए माँ का, माँ बहुत खुश होती है जब फूल वो करती है, ग्रो करती है, जब इसे ब्लूम होते हैं ना, माँ इज़ द हैप्पीएस्ट। देखिए पर बहुत मेहनत भी है, पानी डालो, वो किसी किसी का तो फूल होता भी नहीं हाथ में होता है ना, तो माँ का हाथ अच्छा है। देखिए फूल इतना सारा है, उस तरफ का गदावरी है क्या है, ग्रो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं चिकन पिकल, अब मैं इसको धीमी आंच में पकने के लिए दूंगी जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता, नॉर्मली 25 मिनट तो लग जाता है, बिकॉज मैं तो एकदम धीमी आंच में करती हूँ और अच्छे से फ्राई करती हूँ। और गार्लिक यहाँ पर है, बाद में इसमें रेड चिली होता है ना वो भी डालूँगी लास्ट में जब पक जाता है ना, 5 मिनट निकालने से पहले। देखिए तेल तो ज़्यादा नहीं डाला है, पर क्या होता है कि जब जब ये फ्राई होते जाता है ना तेल निकल जाता है, बिकॉज आप देख सकते हो तेल बहुत सूख किया है चिकन ने, जब फ्राई हो जाएगा तेल खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगा, अभी ज़्यादा तेल नहीं डाला है। अभी इसको धीमी आंच में ऐसे स्प्रेड किया है फ्राई होने के लिए दूंगी, और बहुत ही अच्छा यम्मी होता है गाइस। नाउ अब मुझे कुछ देखना है यूट्यूब में, कुछ देखूंगी गाइस। तब तो जब ये चिकन 80% पक जाएगा, मैं इसमें ऊपर से काट के, इस पर पीन के भी डाल सकती हूँ, पर मैं काट के डालूंगी, काट के ये सूखा मिर्च मैंने ये तो पहले ही वो किया हुआ था, फ्राई नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, पैन में बस कुछ नहीं डालना है, बस फ्राई करना है थोड़ा टाइम के लिए। देखिए तो मैं 4 डालूंगी,
थोड़ा स्पाइसी पसंद है बिकॉज चिकन पिकल इज सपोज टू बी स्पाइसी. इनफैक्ट एनी पिकल आई थिंक शुड बी स्पाइसी, तो थोड़ा स्पाइस डालूंगी. और ये स्पाइसी ही अच्छा रहता है, नॉर्मल वो स्पाइस बिना भी अच्छा ही रहता है, पर आई प्रिफर स्पाइस. मनीष को भी थोड़ा स्पाइस पसंद है, तो ही डजंट टेक स्पाइस, पर पिकल वगैरह में थोड़ा स्पाइस तो बनता है. गाइस देखिए, मैंने बोला था ना बाद में ऑयल निकलेगा, बोल गया, सूख भी गया चिकन बहुत और अच्छे से फ्राई भी हो गया. डिलिशियस चिकन इज़ रेडी. अब मैं इसको थोड़ा ठंड होने के लिए देती हूँ, फिर उसको बोतल में डालना पड़ेगा. आप लोग को पता ही होगा कि एक डॉग इंजरी हुआ था, एक्सीडेंट कल भी दिखाया था मैंने, तो यहाँ पर रखा हुआ है. अभी सर्जरी हुआ है लेग में, अभी बाहर था धूप में, अभी यहाँ पर रख दिया है. दिया है जिंदा, मैंने खोले था. ये ब्रेसेस लगा है, सब टूट गया है इसका एक पैर. एक गाड़ी को साइड नहीं लगा तो गाड़ी ने कुचल के चला गया. मैंने तो देखा नहीं, लोग ऐसे बोले थे आसपास का. रो रहा था कल बहुत, नहीं खा सकता बेचारा, मुंह में देना पड़ता है. खेमा का घंटी फूल, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, पर मैं घंटी फूल बोल देती पहले से. ये तो दिखाया है आपको पास ले. पुदीना भी था यहाँ का. हाँ पुदीना इज ऑल्सो हियर. धूप था पता नहीं अचानक से क्लाउड्स कहाँ से आ गया, पर ऐसे तो 5 भी बच गया. मिरिक देखिए, अभी ऐसा है खबर मिरिक का, वो है मिरिक लेक ब्रिज. हे गाइस, इट्स माय ड्यूटी टू बी इन द शॉप राइट नाउ, सो आई एम इन द शॉप वॉचिंग फ्यू यूट्यूब वीडियोज एंड ईटिंग चिवड़ा विच आई मेड इन द मॉर्निंग. एंड It's 5:45. I came by 5. I'm going to be here till maybe max 7 o'clock. Then after Manish is going to be here. Then later let's see. क्या होता है? So crispy and so nice. Manish ने अरे है पेन से रिप मिला क्या मैगी के साथ? हाँ. Yes. सच्ची? No guys, आज से मैगी बहुत खाना पड़ेगा. अभी मोटिवेशन है, मैगी के साथ फ्री पेंसिल मिलता है. देखिए येलो कलर मैगी लाया, देखिए मैगी आजकल पसंद कितना है मैगी का. आजकल मुझे दाम भी पता नहीं, 12 रुपये, 14 रुपये हो गया है मैगी का. किन्नी हो रहा है गाइज, मैगी का पेंसिल भी आ गया. प्रमोशन कर रहे हैं शायद अभी, आई थिंक पहले फ्री देगा मैगी के साथ, फिर उसके बाद पेंसिल ही आने लगेगा. और ना अचानक से पेंसिल कहाँ से फ्री भाई, पेन मुताबिक तो एक बात. देखिए येलो येलो टट्टी फेलो, और सो नेल्स भी मैंने ट्रिम कर लिया, बहुत लंबा हो गया था. अब हम जा रहे हैं ड्राइव के लिए थोड़ी देर के लिए. ड्राइव गाइस, ड्राइव, लेट्स गो. गाइस हम ड्राइव जाके आ गए. हम माम के वहाँ भी गए थे, मम्मी के मॉम के वहाँ, पर वो सो गए थे, लाइट सारा ऑफ था बिकॉज लेट भी हो गया था. आई थिंक 8 ऑलमोस्ट 9 हो गया था. तो सीधा घुमा के आ गए, और अभी मनी बंद कर रहा है, ये कवर लगा रहा है. एंड रिसॉर्ट हम बाहर खाएंगे, एक जगजीतपुर के रेस्टोरेंट है, वो खुला था पर मूवी तो नहीं लगा था. एंड वी वॉन्ट टू ईट दैट मैगी एंड पिकल, सो मैंने ही खाया. मैंने इस एनीवेज गाइस, आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग हियर. द व्लॉग इज बिकम वेरी वेरी लॉन्ग, अ डे इन माई लाइफ था पर बहुत ही लंबा हो गया. थैंक यू सो मच इफ यू गाइज आर स्टिल वॉचिंग माई वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय.